नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। एक्ट्रेस नीतू कपूर ने अपना 65वां बर्थडे इटली में सेलिब्रेट किया। लेट एक्टर और नीतू कपूर के पति ऋषि कपूर ने अपने मेमोयर खुल्लम खुल्ला में अपनी जिंदगी से जुड़े कई अनसुने किस्से कहानी शेयर किए थे। इसी मेमोयर में एक दफे ऋषि कपूर ने बताया था कि उनकी पत्नी नीतू कपूर उनकी और एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया की नज़दीकियों को लेकर परेशान थी और उनसे इनसिक्योर फील करती थी। दरअसल ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया ने फिल्म बॉबी में साथ काम किया था। दोनों के बीच ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री खूब पसंद की गई। फिल्म बॉबी 1973 में रिलीज हुई थी। उस समय ऋषि कपूर शादीशुदा नहीं थे और अपनी लॉन्ग टाइम पारसी गर्लफ्रेंड यास्मीन मेहता को डेट कर रहे थे। हालांकि तब डिंपल भी शादीशुदा थी। उन्होंने मार्च 1973 में राजेश खन्ना से शादी की थी। ऋषि कपूर ने अपने मेमोयर में लिखा कि उस दौरान की पॉपुलर मैगजीन स्टारडस्ट ने उनके और डिंपल के रिलेशनशिप को बड़ा चढ़ाकर पेश किया था। ऋषि कपूर लिखते हैं, मैगजीन में जो कुछ छपा था उसके कारण डिंपल की पर्सनल लाइफ में कोई खास बदलाव नहीं आया, लेकिन मेरी ज़िंदगी पर इसका काफ़ी असर पड़ा। मैं यास्मीन को डेट कर रहा था, लेकिन उस एडिशन के बाद हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन मैं दोबारा यास्मीन को राजी नहीं कर सका। लेकिन ये सब यहीं ख़त्म नहीं हुआ। कुछ सालों बाद नीतू ने मुझे बताया कि वो भी डिंपल से उनकी नज़दीकियों को लेकर परेशान रहती थी। फिल्म बॉबी के अलावा रियल लाइफ में भी ऋषि कपूर और डिंपल के बीच बढ़ती नज़दीकियों ने नीतू कपूर के मन में डर पैदा कर दिया था। ऋषि कपूर ने अपने मेमोयर में लिखा है कि जब उनके और डिंपल कपाड़िया के डेट करने की अफवाहें तेज थी, उसी समय हमने फिल्म सागर में साथ काम करने के लिए कोलैबोरेट किया था। इस वजह से नीतू कपूर डिंपल को लेकर पहले से ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। ऋषि कपूर ने यह भी लिखा कि उनका नाम कई लोगों के साथ जोड़ा गया, लेकिन नीतू कपूर सिर्फ डिंपल को लेकर परेशान थी। ऋषि कपूर ने यह भी लिखा है कि नीतू को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, डिंपल सिर्फ दोस्त थी। हाँ, बॉबी के टाइम शायद दोस्त से कुछ ज़्यादा थी, लेकिन हमारे बीच इससे ज़्यादा कभी कुछ नहीं था। बॉबी के 10 सालों बाद 1982 में डिंपल की शादी टूट गई।